प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स का असर अब देश में साफ दिखने लगा है। ये प्रोजेक्ट रक्षा के क्षेत्र में भी लाया गया और इसी का नतीजा है कि देश में अब खुद बड़े स्तर पर हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। भारत के सैनिकों को जल्द ही खतरनाक रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलें मिलने वाली हैं। खास बात यह है कि इसका प्रोडक्शन भी भारत में ही हो रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि AK-203 असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में कोरवा स्थित इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट में शुरू हो चुका है। बीते हफ्ते सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने ये कहा था कि 5000 AK-203 राइफलों की पहली खेप इस साल मार्च के अंत तक सेना को सौंप दी जाएगी, जबकि अगले 32 महीनों में 70,000 AK-203 राइफल्स को भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। अगले 10 सालों में 601,427 राइफल्स बनाई जाएंगी। AK-203 प्रोजेक्ट की घोषणा साल 2018 में की गई थी, लेकिन इसकी कॉस्टिंग, रॉयल्टी और टेक्नोलॉजी को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। इसी कारण इस प्रोजेक्ट के शुरू होने में थोड़ी देरी हुई। अब इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में राइफल्स का निर्माण शुरू हो चुका है। इस यूनिट के पास भारत के दूसरे सुरक्षा बलों को भी हथियार मुहैया कराने की क्षमता है। इसके अलावा कंपनी के पास हथियारों को दूसरे देशों को भी निर्यात करने की क्षमता है। अब आपको AK-203 राइफल की कुछ खास बातें बता देते हैं। AK-203 राइफल AK सीरीज की सबसे घातक और आधुनिक राइफल है। इसमें वो सभी खूबियां हैं जो पारंपरिक AK सीरीज में थीं। रूस ने इसे साल 2018 में तैयार किया था। AK-203 असॉल्ट राइफल्स हल्की हैं और हर मौसम में कारगर है। इस हथियार से एक मिनट में 700 राउंड फायरिंग की जा सकती है। इसकी रेंज 500 से 800 मीटर है। एक मैगजीन में 30 राउंड की फायरिंग की क्षमता है। AK-203 असॉल्ट राइफल का वजन 3 किलो 800 ग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 705 मिलीमीटर है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।